हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 5 नोट टेकिंग ऐप्स हम देखने वाले हैं और ये नोट टेकिंग ऐप्स बेसिक भी हैं, मिनिमल भी हैं और एडवांस वाले भी हैं। तो तीनों टाइप के जो नोट पैड एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा एंड बहुत ही बेस्ट ऐप है और इनको आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट एंड सबसे मिनिमल ऐप की बात करते हैं, वो है गाइस फोर नोट। अब इसको देखिए, आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है ये काम करता है विजिट्स में। तो विजिट्स में काम कैसे करता है, देखिए ये जैसे कि ये एक विजिट मैंने ऐड करके रखा है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई टॉपिक पे जो है वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो मैं उसको यहाँ पे होम स्क्रीन पे लगा लेता हूँ जिससे कि मुझे कोई नोटपैड ऐप को ओपन करके देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि याद रखने का कोई काम नहीं रहता, ठीक है यहाँ पे। सो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड आपको मिल जाते हैं, कस्टम कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट वाला भी है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब आप इसको चेंज करेंगे तो देखिए इसके इस तरह से आ जाएगा। ये नोटपैड एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट है, ये 44 KB के आसपास आपको साइज़ मिल जाएगा। मैं आपको एक बार ओपन करके साइज़ दिखा दूँ, देखिए हाईएस्ट जो एक्सट्रैक्टेड साइज़ है जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये 3 MB तक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका जो आप लेआउट देखेंगे तो इसको आप चेंज कर पाएंगे, जैसे कि इसका लेआउट है आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे करना चाहे कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे करना चाहे कर सकते हैं, और छोटा करना है और छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट कस्टमाइजेशन की बात करें तो देखिए आपको टेक्स्ट कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इसमें टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इमोजी यूज़ करिए एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन सारे बेसिक फीचर्स हैं और ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते कि जिसमें आपको जो हैशटैग है वो आप ऐड कर सकते हैं या फिर लिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को और ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो बेसिक एंड मिनिमल और सबसे लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो आप फोर नोट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इसी तरह की थोड़ी सी एडवांस लेवल की ऐप यूज़ करनी है, यानी यहाँ पे ये है नोट पैड। अब ये जो एप्लीकेशन है गाइस, इसको आप देखेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो सिंपल है और इसमें आप जस्ट स्वाइप राइट करके इसको स्वाइप डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना चाहें एडिट के लिए डायरेक्ट ओपन करिए एंड देन यहाँ से एडिट हो जाएगा। इसको आप रिमाइंडर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जाएंगे तो देखिए और कलर कस्टमाइजेशन से रिलेटेड आर्काइव आर्काइव है एंड जो भी नोटपैड के फीचर्स होते हैं नॉर्मल वो हो जाते हैं, सेव करना है डिलीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको इसमें अलग अलग जो ऑप्शंस है वो इस तरह से मिल जाएंगे। सेटिंग्स में आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थीम है, कलर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ओके शॉर्ट के भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। फोल्डर्स में से आपको फोल्डर का ऑप्शन दिया जाता है क्योंकि आप यहाँ से अपने स्टोरेज में अगर कोई नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर वो आ जाएगी। इसको आप दो तरह के थीम में यूज़ कर पाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, सो बहुत अच्छे से काम करता है इसमें। लेकिन आपको जो टैग करने का ऑप्शन आता है जिसमें आप अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं नोटपैड को, वो आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल एंड इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है इसी कैटेगरी का, वो है गाइस थॉट्स। सो ये भी एक सिंपल कोई आइडिया आ रहा है अगर आपको कोई, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली, पेंसिल के बटन पर क्लिक करके टाइटल दे सकते हैं, देन यहाँ पर कॉन्टेंट आ जाएगा आपका। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक बेसिक फीचर है और जो इंटरफेस है वो यही है एंड ऑप्शन है। फीचर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप दो तीन तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, पासवर्ड डालना है या फोटो सेव करना है वो यहाँ पे ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट। सो इस तरह से जो बेसिक फीचर है वही आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो नोटपैड एप्लीकेशन है दोस्तों, वो है नोटबुक। अब ये जो ऐप है इसमें थोड़ा सी एडवांस चीज़ हैं, जैसे कि देखिए राइट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा जो नोटपैड का इंटरफेस है बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसमें वर्ड और जो पावर एक्सेल होते हैं उनकी तरह चीज़ें मिल जाती हैं आपको अलग अलग। इसमें आप टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप से फॉर्मेट दे सकते हैं, लाइंस फॉर्मेट दे सकते हैं, टेक्स्ट को अलग एक फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, लाइंस अरेंज कर सकते हैं, शीट ऐड कर सकते हैं, कोट है, लिंक्स हैं, कैलेंडर है, कलर, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो एक नोट का एग्जांपल आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर वाइज अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको डन कर देते हैं। सो अब आप देखिए ये एक नोट का एक वेलकम वाला पेज है, ओके। तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज है, इसमें टेक्स्ट कार्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट को किस तरह से आपको स्टाइल करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, हाईलाइट करना है, वो सब है। तो एक नोटपैड ऐप में आई थिंक ये होना चाहिए और वो सारी चीज़ें आपको बेसिक्स में मिल जाती हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो जो हो करके ये कंपनी है जो कि इंडिया की है, तो ये नोटपैड एप्लीकेशन उसी का है, ठीक है।
इसको आप सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे अवेलेबल ये एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पे देखिए ऑडियो कार्ड ऐड करना है, चेकलिस्ट है, फोटोज़ है, फाइल कार्ड है, स्केच कार्ड है, तो बहुत सारे ऑप्शंस इस तरह से आपको मिल जाते हैं इसमें। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ करनी है। एंड यहाँ इसमें आपको टैग्स ऐड करने हैं, टैग करना है, अलग अलग कैटेगराइज करना है, फेवरेट ऐड कर सकते हैं, तो वो सब ऑप्शंस एंड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो देखिए सेटिंग्स में आपको जो बेसिक फीचर्स हैं सारे मिल जाते हैं। नोट्स में जाएंगे तो नोट्स के सेटिंग्स मिल जाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्राइवेसी, और हाँ इसको आप कंप्यूटर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए भी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है। और नोट टेकिंग के लिए देख सकते हैं आप किस तरह के इसमें फीचर्स हैं। इसमें आप राइट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैप्चर यानी कि फ़ोटो के थ्रू टू डू बना सकते हैं, ड्राइंग के थ्रू ले सकते हैं, एंड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कोई फाइल है, या वीडियो नोट्स भी आप इसमें ले सकते हैं, जो कि वीडियो नोट आपको किसी और ऐप में आई थिंक मैंने नहीं देखा। सो वीडियो नोट इसमें अवेलेबल है। सो ये कुछ बेसिक फीचर है इसके जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एक बेस्ट नोट एप्लीकेशन इसको ये बनाता है। अब लास्ट जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो है नोशन। तो नोशन की बात कर गए तो नोशन एक नोटपैड एप्लीकेशन होने के साथ साथ एक हाईली कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन है। और नोशन में आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक नोटपैड में आपको मिलेंगे। और ये नोशन जो है आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये फुली सिंक्ड जो है नोटपैड एप्लीकेशन है गूगल कीप की तरह ही, लेकिन इसमें आपको बहुत एडवांस चीज़ें मिलती हैं। आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या फिर जैसे आपने सोचा है वैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफ़ी सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगे नोशन की वेबसाइट्स पे। कुछ पेड टेम्पलेट्स भी हैं अगर आप ज़्यादा एडवांस चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। सो बहुत अच्छी नोटपैड एप्लीकेशन है। और ऑर्गेनाइज़ करना है आपको चीज़ें, ऑटोमेट करना है, तो भी ये नोशन के थ्रू आप कर सकते हैं। कई सारे जो एप्लीकेशन है थर्ड पार्टी ऐप्स हो गए और वेबसाइट्स हो गई आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉग्स है उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। एंड जो नोटपैड है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं लिंक के थ्रू। एक सो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। सो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे यूज़ करके सकते हैं, साथ साथ में पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल हो या विंडोज़ हो दोनों पे आप ये चला सकते हैं। तो गाइस ये थे 5 नोटपैड एप्लीकेशन जो कि बेसिक भी हैं और एडवांस भी हैं और मीडियम जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वो भी हैं। और एक गूगल कीप करके एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से। और अगर आपका जीमेल आईडी है देन जीमेल आईडी के थ्रू बहुत अच्छा सिंक सिस्टम है उसका, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक लेवल के लिए। जैसे कि यह जो नोटबुक एप्लीकेशन है तो नोटबुक एप्लीकेशन को भी आप गूगल के थ्रू सिंक कर सकते हैं, जिससे आपके जो सारे नोट्स हैं या चीज़ें हैं वो सेव रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।